So hello friends, we are dealing with a very interesting problem in here. So this question is stating a car driver going at some speed v suddenly finds a wide wall at a distance r. Should he apply the brakes or turn the car in a circle of radius r to avoid hitting the wall? अब अगर इसका कॉन्टेक्स्ट में अगर समझाऊं तो आप काफी बार ऐसा देखते होंगे कि एक गाड़ी है, हीरो उसमें बैठा है और वो एक क्लिफ के किनारे जा रहा है. वो जैसे ही जाता है तो वो क्या करता है, वो गाड़ी को रोकता नहीं, वो ऐसे स्किड करके घुमा लेता है गाड़ी को. ऐसा काफी बार यू हैव सीन इन एक्शन मूवीज सीक्वेंस लाइक दिस कि जहाँ पे इस तरीके से गाड़ी को घुमा लेता है. लेकिन सैनिटी यही बोलता है जो एक 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 सेन आदमी जो होगा, जो एक समझदार आदमी होगा, जो हीरो नहीं है मूवी का और मूवी का शूटिंग नहीं चल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो एक ब्रेक अप्लाई करेगा. वो चाहेगा कि कार जो है वो रुक जाए. तो अपने दोनों का फिजिक्स समझ लेते हैं कि दोनों के केस में क्या एग्जैक्टली होने वाला है. सो लेट अस अंडरस्टैंड इट इन अ न्यूमेरिकल वे कि न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में अगर अपने समझें तो क्या हो रहा होगा. सो इफ आई कंसिडर अ कार मूविंग एट अ स्पीड वी एंड सपोज एट अ डिस्टेंस आर इट इज एनकाउंटरिंग अ वर्टिकल वॉल और अ क्लिफ. तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि m इज मास ऑफ द कार, तो मैं बोल रहा हूँ फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू म्यू एम जी विच विल प्रोड्यूस अ रिटार्डेशन. सो द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन इज म्यू जी और एक्सेलरेशन इज नेगेटिव बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स विल अपोज द रिलेटिव मोशन. तो अब अगर मैं बोलता हूँ कि कितना वेलोसिटी को ये रोक पाएगा, तो आई से दैट इनिशियल वेलोसिटी इज प्लस वी, फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन इज माइनस म्यू जी एंड द डिस्प्लेसमेंट इज आर. तो अगर मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ, सो आई एम मेकिंग अ इक्वेशन लाइक दिस. फ्रॉम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर टू ए एस, तो टू म्यू जी आर. तो यहाँ से अपने ऑप्टेन करते हैं दैट वी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू म्यू जी आर. तो ये मैं एक एक्सप्रेशन निकाल करके छोड़ देता हूँ. अगर मैं दूसरा बात को अगर समझता हूँ दैट इफ द कार इज टर्नड, जो कि मूवी वगैरह में होता है कि कार को इस तरीके से घुमा लिया जाता है. So if I consider that aspect that the car is made to move in a circular path, that is the car is turning in a way like this, that this is the vertical wall or ya cliff hai aur ye aise ghuma karke idhar le aaye. To agar ye circular path mein agar move kar raha hai, to main bolta hu ki agar iska speed agar constant hai, so f centripetal that is mv square by r is balanced by frictional force yani ki mu mg. तो यहाँ से अगर मैं v स्क्वायर अगर निकालता हूँ तो मैं निकाल रहा हूँ म्यू आर जी. सो v इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी. तो यहाँ पे अपने बोलते हैं कि रेडियस उतना का उतना, मतलब रेडियस ये जो डिस्टेंस है वो एक रेडियस बन जाएगा हमारे लिए. तो उस रेडियस में ये मूव करके पूरे कार को इस तरीके से टर्न कर लेता है. सो वी हैव ऑब्टेंड टू एस्पेक्ट्स. तो अगर वेलोसिटी का वैल्यू ये है यानी कि रूट ओवर म्यू आर जी है, तो आप इस तरीके से इसको ले जा सकते हैं. ओवर हियर वी आर फाइंडिंग दैट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर टू म्यू आर जी जी आर. तो अगर ऐसा है कि इफ दिस इज द स्पीड सो इट इज फेवरेबल, अगर ये इनिशियल स्पीड है v इज इक्वल टू रूट ओवर टू म्यू जी आर, तो ये कंसिडरेबल डिस्टेंस पे आप क्या ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं एंड द कार विल इवेंचुअली कम टू अ हॉल्ट. और अगर ये केस में अगर अपने आते हैं तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर ये मुड़ करके जाएगा तो अगर दिस स्पीड का वैल्यू जो है कम है कंपेरेटिवली, या इसमें अपने घूमना जो है ये पॉसिबल है. द स्पीड इज ग्रेटर, तो अपने क्या बोल रहे हैं कि ब्रेक अप्लाई करना ज्यादा आसान है, क्योंकि इसके बाद क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स विल नॉट बी एबल टू बैलेंस एम वी स्क्वायर बाई आर. सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विच द फ्रिक्शन कैन बैलेंस आउट, यानी कि ये वेलोसिटी से ज्यादा अगर होगा तो कार जो है वो सक्सेसफुली एक सर्कुलर टर्न नहीं कर पाएगा, इट विल फॉल इन द अदर वे. लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल वॉल बोल रहा है, तो मैं इसमें एक और आपको एस्पेक्ट दे देता हूँ, एक मच ब्रॉडर रीजन अगर अपने दें कि अगर मान लेते हैं कि ऐसा है कि इतना ज़्यादा स्पीड है कि कार रुकेगा भी नहीं और कार सर्कुलर टर्न अगर करेगा तो भी भिड़ जाएगा, तो अब क्या करोगे, तो अब कौन सा रास्ता ज़्यादा अच्छा है. तो इस केस में अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कार को ले जा करके टर्न ही करा देना सही है, क्योंकि कार को ले जा करके अगर आप टर्न करा देंगे तो ओब्लिक कोलिजन होगा, तो वो जो दीवार है उससे लगते हुए जाएगा, सटते हुए जाएगा, तो द डैमेज विल नॉट बी मच इन कंपेरिजन टू हेड ऑन कोलिजन जो कि होगा अगर कार को अपने सीधा ले जा करके भिड़ा देते हैं. तो हेड ऑन कोलिजन की जगह इट विल बी ग्रेट कि अगर अपने टेंजेंशियली टू दी वॉल अगर निकल जाए तो सम अमाउंट ऑफ रगड़ा विल बी देयर बट द कार विल क्रॉस द वर्टिकल वॉल. लेकिन अगर क्लिफ होगा तो क्लिफ के केस में तो यही है कि भाई ब्रेक मारते मारते आप सर्कुलर टर्न में घुमाते जाइए, तो हो सकता है कि ये वेलोसिटी अटेन हो जाए और जब आप सर्कुलर टर्न के एज पे हो तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी, सो दैट योर कार विल नॉट टिप ओवर फ्रॉम द क्लिफ. लेकिन अगर वर्टिकल वॉल है और अगर ऐसा है कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो
तो ये हेड ऑन कोलिजन से ज़्यादा बढ़िया ही है कि आप कार को ऐसे टर्न कराइए एंड इट विल स्किड थ्रू दी वॉल. सो आई होप बोथ दी एक्सप्लेनेशंस आर परफेक्टली फाइन फॉर यू.